हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल आर वेल। सो वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेन अवनीनिका। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल ट्रेन अवनीनिका को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का हमारा जो व्लॉग है, जो वीडियो है, हम उसको स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग। काफ़ी दिनों से आपसे मुलाकात हुआ नहीं, दो दिन हो गए मैं यूट्यूब पे आ नहीं पाया। थोड़ा सा बिजी था, घर के काम वगैरह लगे हुए थे। दो दिन ये छुट्टी है, कल भी पूरा दिन काम में ही निकल गया, कुछ ना कुछ बाजार का, कुछ घर का, ऐसे करके निकल रहा है। चलिए आज मॉर्निंग वॉक पे फिर निकले। सोनम तो वैसे आती रही, मैं नहीं आ पाया अभी दो दिन से। सोनम आज आई हुई हैं, यहाँ कर रही हैं एक्सरसाइज। मैं रहता हूँ तो वो करती हैं, अकेले मैं करती नहीं हूँ। आज भी छुट्टी है, बस वही डेली के काम रहेंगे। दो दिन छुट्टी आ गई थी और 20 शिफ्ट भी है मंडे से, तो अब रेगुलर मॉर्निंग में आना रहेगा। इसी तरह मॉर्निंग वॉक, फिर जाकर मार्केट, थोड़ा बहुत काम, मार्केट टारगेट के काम। अनिका का बर्थडे आ रहा है, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। तीनों सिस्टर आने वाली हैं, उनकी तैयारियों में लगे रहे हैं। कल रात में भी यही सब काम लगा रहा, कैसे क्या सेट करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ क्या सामान रखना है, कैसे क्या, बस उसी काम में लगे रहे। चलिए आज भी देखते हैं क्या होता है घर में, जैसा जैसा होता है वो आपको बताते हैं। अभी तो मॉर्निंग वॉक, उसके बाद जाते हैं क्वार्टर पे, मिलते हैं फिर। तो ये सोनम की एक्सरसाइज, वो देखिए बैठ के वहाँ हो रही है एक्सरसाइज। हाँ फ्रेंड, तो एक्सरसाइज हो गई है, बस जैसे कि आपको बताया जा रहे हैं घर पे देख के जाते हैं क्या होता है, क्या होता है। काम ही स्टार्ट होगा, काम स्टार्ट होगा या थोड़ा मोबाइल देखा जाएगा, या फिर हो सकता है कि कुछ और भी रील्स वील्स अगर रहा, टाइम मिल गया तो। बच्चे के ऊपर है, बच्चे उठ गए होंगे, ऐसे अभी उठे नहीं होंगे, नॉर्मली वो 9:30 के बाद ही उठते हैं। देर तक जगे हैं कल तो, कल तो और 1 बजे तक, क्योंकि छुट्टी था और हम लोग भी काम में लगे रहे तो उनकी भी मस्ती चलती रही। वो तो हम लोगों को भी पता है कि बचपन में हम लोग भी जब कोई बेड वेड खुलता था, बिस्तर फैलते थे तो उसको चकना कूदना, ये सब सभी की हैबिट रहती है, सभी लोग करते हैं। हम लोग उनको डांटते जा रहे थे लेकिन वो मान नहीं रहे थे दोनों, और वो तो छोटी हैं, अमन तो काफ़ी बड़े हैं। वो पढ़ाई में से उठ उठ के बीच में आके कर रहा था, वो भी नहीं छोड़ रहा था वो काम। फिर भी 11:30 हम लोग फ्री होके लेट गए थे, सोते सोते तो 1 बज ही गया था, क्योंकि बच्चे नहीं सोते हैं जब तक हमारी नींद भी नहीं होती है। दो तीन दिन बाद हुई है, जैसा कि हमने बताया, हम इनका तो ए शिफ्ट था। हाँ। पर मैं भी स्टार्टिंग में आई शिफ्ट, थोड़े दिन बाद आना बंद हो गया, तबीयत भी थोड़ी लगी, फिर ऐसे ही नहीं आए। अभी दो तीन दिन तबीयत भी थोड़ा सा गड़बड़ था, अभी आराम है, थोड़ा बीपी का चल रहा था, अभी ठीक है। वैसे दिखा दिया है डॉक्टर को, और क्या हो गया। चलिए मिलते हैं फिर। देखिए फ्रेंड, तो आज धूप भी काफ़ी अच्छी निकली है चेहरे पर। 6:30 ही बजा है, 6:30 हुआ है अभी, और चेहरे पे देखिए ये पेड़ों में छुप गया, पीछे दिख रही है, पीछे दिख रही होगी आपको अभी, और दिखाते हैं। रुके, थोड़ा सा आगे जाने पे सूर्यदेव, तो बहुत आगे जाते होगा हमारे सूर्यदेव, फिर से दिखेंगे एक बार और तेज। चेहरे पे देखने से ही समझ में आ जाएगा कि हाँ सामने आ गए। ये देखिए, ये तेज हो गई, नहीं तो हमेशा ठंड के दिनों में इतने बजे, इतने टाइम तो अंधेरा रहता है, नहीं और थोड़ा अंधेरा रहता है टाइम। अभी तो अभी थोड़ी देर में दिखेगा आपको, आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं। ओके, ये देखिए काफी तेज धूप है, हमारे सूर्यदेव जी उदय होते हुए। हाँ हमारे तो बोल रहे, हमारे मतलब सबके, मेरे बोलता तो बात अलग थी, हमने हमारे बोला ना। एक्चुअली हमारे साइड ना मैं को भी हम बोला जाता है, कई लोग इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं। हम जहाँ के रहने वाले हैं जबलपुर के, वहाँ पर क्या होता है नॉर्मली MP साइड, मतलब कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हम का मतलब तो बहुत लोग होता है, लेकिन
वो हैबिट में ही है कि हम अपने आप को भी हम ही बोलते हैं, हम जा रहे हैं, ये नहीं बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ या ऐसा। बहुत कम लोग ऐसा जो बोलते हैं, बहुत कम लोग ऐसा है जो बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ। वो लोग कई बार ऑफिस में भी बोलते हैं कि यार हम का मतलब तो बहुत लोग होता है। हमने कहा हमारे यहाँ ये हैबिट में ही है कि हम अपने आप को हम ही बोलते हैं। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, हम अपने आप को हम ही बोलते हैं, ऐसा ही चलता है। जो हैबिट में है बचपन से वही वर्ड निकलते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते कोशिश करने पे भी। चलिए यहाँ पर पत्ते इतने सारे सूख चुके हैं पेड़ों के, सब ये हमारा मंदिर वाला रास्ता है, आने वाला है मंदिर का रास्ता। धूप बहुत अच्छी लग रही है इस समय क्योंकि हल्की सी ठंड है, उस पर धूप बहुत अच्छा। चलिए मिलते हैं, बोलते ही जाऊंगा नहीं तो मैं कौन। हम बोल रहे हैं कितना बोलते हो, बोलते ही जा रहे हो, बोलते ही जा रहे हो, चुप तो हो, मेरे लिए तो कुछ छोड़ो नहीं तो पूरा भर जाएगा उसी से, आज इसी से भर जाएगा। नहीं नहीं बीच में एक काट देंगे ये सब जो मैं बोल रहा हूँ, वो अपना अपना बोलना ज़्यादा रखती हैं। बीच में मैं बोलता रहता हूँ लेकिन ये बीच में से उसमें से कैंची चला देती हैं। ठीक तो फ्रेंड्स ये देखिए आके हम लोग लग चुके हैं अपने कामों में। तो आज ये अलमीरा फिर से अच्छे से ग्रॉसरी वगैरह सब सेट तरीके से करेंगे। और जो गैलरी में देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो हमारा अलमीरा रखा हुआ है, कल जो हमने स्वेटर वगैरह रख दी हैं तो इस तरह से ये खाली हुआ है, दो शेल्फ खाली हो गए हैं। तो इसमें अभी तो मतलब ये चेंज करने हैं जो पर्दे, वो सब हमने लगाए हुए हैं, रखा हुआ है वो सब सामान, तो यही फिर से अरेंज कर रहे हैं। कल जो हम जियो मार्ट से ये सारा सामान लेकर आए हैं ना, और भी ग्रोसरी वाला, तो ये भी अभी अरेंज करके रखना है, तो ये सब जमाते हैं। तो बस अब आके इस काम में हम लोग लग चुके हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये देखिए हाँ बस कामों में लगे हैं, बुक्स वगैरह थोड़ा अरेंज करना। ये अलमीरा हो गई है, किराना जो है सब तरीके से सेट हो गया है। अभी ये देखिए आपको दिखाते हैं, तो ये इस तरह से किराने वगैरह सेट हो गए हैं। ये एक हमने मैगी के लिए यहाँ टांगने का बना लिया है, और कल वहाँ से हम ये ना चॉकलेट का पूरा एक वो लाए हैं, पर अभी दिखाया नहीं है, नहीं तो वो कल ही पूरा ख़त्म हो जाता है एक्लेयर्स का। तो ये कल उधर से लाए हैं, फिर ये नीचे का भी काफ़ी अच्छे से सेट हो गया है, आप देख सकते हैं। और अभी और भी काम बहुत रह गया है, ये शेल्फ भी हो गया है, ये अभी जमना है, फिर ये जमना है, अभी ये बुक्स का हो रहा है। और वहाँ पर जो हमने किया है ना अलमीरा में, यानी निकल गई थी दोबारा से फिर सो गई है देखिए सोफ़ा में आके। और यहाँ पर हमने जो हमको लगने हैं वो सब चीज़ें यहाँ रख दी हैं फ्रेंड्स। ये देखिए नीचे में जो लगेगा, डोसा का है, अप्पे का है, आपकी बाटी वाला, इडली वाला, ये सब इधर रख दिया है साँचे, जिससे कि जब भी लगेंगे। ये टोस्ट बेकर सबसे नीचे रखा हुआ है, तो जो जो चीज़ें बनने के लिए लगेंगी ना अब, तो वो इधर रख लिए हम लोगों ने। तो फ्रेंड्स ये देखिए हम अग्निनिका का जो एक्स्ट्रा वाला मटेरियल है ना, वो सब जमाने के लिए लगे हुए हैं। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ उनके पास कितनी सारी पेंसिल बॉक्स और कितनी पेंसिल रबड़ सब इकट्ठी हो गई है। ये देखिए अभी स्कूल से जैसे बर्थडे वगैरह में मिल जाता है, ये इस तरह से डोम्स का जो आता है पैकेट, तो वो है। और ये तो किसी रिटर्न गिफ्ट में या कुछ कॉम्पिटिशन में जैसे ये लोग पार्टिसिपेट लेती है तो उसमें मिल जाते हैं। तो ये देखिए ये एक दो एक से हैं, फिर ये अभी दोनों का राइम्स और स्टोरी कॉम्पिटिशन में मिला हुआ है। ये तो मुझे याद ही नहीं है ये कब मिला हुआ है, क्योंकि एक से है मतलब कुछ में मिला ही है इनको। फिर ये वाले भी ऐसे दो हैं, ये एक है ब्लू कलर का और एक यहाँ रखा हुआ है ये देखिए ग्रीन कलर, तो ये भी ये इनका रिटर्न गिफ्ट है। फिर इतनी ही सारी एक और ये इधर ये लिया था, ये मिक्की माउस स्टाइल वाले पेंसिल बॉक्स, ये नानी के यहाँ से लिया था, नानी ने दिलाया था, ये देखिए आप। तो इतने अभी पेंसिल बॉक्स और दो उधर भी रखे हुए हैं, ये तो दो उनको मिले थे स्कूल से चिल्ड्रंस डे पे, नीचे भी रखे हुए हैं दो, कहाँ रख दिए हैं पापा ने वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स
तो मतलब इतने पेंसिल बॉक्स, पेंसिल रबड़ और स्केल इतनी इकट्ठी हो गई है ना कि मतलब रखने के लिए स्पेस अब नहीं बच रही है। ये देखिए, ये दो एक से रखे हुए हैं, ये भी इनको स्कूल से मिले थे कुछ किसी टाइम पे, मुझे ऐसा ध्यान है। फिर ये भी मिला था उनको एक लास्ट ईयर चिल्ड्रंस डे पे मिला था, ये इनका ऐसा एक ने तोड़ लिया है, एक का रखा हुआ है। ये भी इनको स्कूल से ही मिले हैं, ये दो पेंसिल बॉक्स, ये वाले भी स्कूल के ही हैं। मतलब अभी तक हमने इनको पेंसिल बॉक्स लिए नहीं है, और देखिए वो आपको अभी मैंने दिखाए, वो दो, फिर वो दो, तीन, ये वाले हो गए चार, ये पाँच, ये छः, और ये इधर ये ऐसे वाले रखे हुए हैं, ये सात, सात तरह के पेंसिल बॉक्स अभी अपने निहा के पास रिसेंटली बिल्कुल हैं, जो दो दो के सेट में ही हैं। तो बस सब अरेंज करने के लिए हम बैठे हुए हैं कि सब इधर उधर रखा हुआ है ना कैसा, तो भी तो उनको हम तरीके से रख रहे हैं। ये देखिए एक उसमें मैंने सारी पेंसिल बॉक्स पेंसिलें जमा दी हैं कि एक उसमें रहें, जैसे कि यही इस तरह के साथ में जो मिलते हैं, ये मैं सब खुला वाला करी, ये इसमें जो जो था ये सब निकाल के एक साथ अलग से रखी जा रही है, क्योंकि ये ऐसी खूब पनियाँ इकट्ठी रहती हैं, फिर फैला रहता है पूरा, तो यही कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आप देखिए टाइम हो रहा है 11:45 हो गया है, और आज मेरा लंच कुछ भी रेडी नहीं हुआ है। तो आज भैया जी को खाने थे छोले, तो मैंने छोले तो बॉयल कर लिए थे, इस तरह से जैसे जैसे काम करती जा रही है, तो ये तरह से मैंने छोले बॉयल कर लिए थे, और अब मैं आई हूँ यही मसाला वगैरह रेडी करने के लिए। तो अब काम स्टार्ट हुआ, अभी तक वही सिस्टमेटिकली सब अरेंज करने में लगे हुए थे, कितना वीडियो बनाते क्या करती, तो ज़्यादा नहीं बना है वीडियो, तो बस इस काम में अब हम लग रहे हैं लंच में ही। ये देखिए अब नैनी का टीवी देख रही हैं, दादा नहा रहे हैं, और इनका भी के पूजा चल रही है घर की, मैं भी अभी नहा चुकी हूँ, पूजा पूजा मेरी भी हो गई है, मैंने अपनी वाली पूजा कर ली है, ये मेन पूजा ये कर रहे हैं आज, क्योंकि लंच में देर हो गया है इसीलिए। तो चलिए अब हम लोग लगते हैं फटाफट से बच्चों के लिए लंच बनाने। तो फ्रेंड्स ये देखिए टाइम होने लगा 12:35 हो रहा है, और मतलब 11:45 तक मेरा खाना कुछ भी नहीं बना था, और इस तरह से सब बन चुका है। ये देखिए दादा की प्लेट, हम लोगों के लिए तो रोटी बनी है, मैं दिखाती हूँ। अच्छा आपको देखिए, ये है मेरी छोले वाली सब्जी बढ़िया, और फिर ये पुलाव, क्योंकि छोले के साथ तो पुलाव ही अच्छा लगता है। हम लोग रोटी खाते हैं, बच्चों को पूड़ी, तो इस तरह से दादा छोले और पूड़ी बस खाते हैं, तो ये उनका खाना। और अब ये निका की प्लेट यहाँ रखी हुई है, ये अपनी निका की प्लेट, छोले, राइस और पूरी। क्या अच्छा लगा, दोनों के सिर वेर धोले हैं आज। ये देखिए बड़ी पूरी है, हाँ। तो अन्नी अभी रेडी हो रही है, पापा कर रहे हैं, चलिए हम लगते हैं खाने में। तो फ्रेंड्स अब फिर हम लोग लग चुके हैं अपने काम में। ये देखिए जितनी भी ये ज्वेलरीज रखी थी ना यहाँ पर, हमारी आर्टिफिशियल वाली जो डांस वगैरह में हम लोग मेहंदी पहनते हैं, तो वो देखिए वो सब का काम अरेंज हो रहा है। ये अपने निखा का सेट हो रहा है, यहाँ मैं अपना करती जा रही हूँ। ये देखिए आप किस तरह से पूरा फैला हुआ है घर, तो यहाँ पे भी जिसमें थोड़ा काफ़ी स्पेस निकल आएगा। फिर फ्रेंड्स हम लोग जो है अब आ चुके हैं अवनी निखा को ट्रेन में बिठाने के लिए, कि कल बैठ चली थी ट्रेन, अभी दो हफ्तों से चल नहीं रही थी। तो ये देखिए हम लोग आ चुके हैं, पर आज ट्रेन नहीं आई है अभी तक, आज हम लोग पहले आ गए हैं ट्रेन के। ये अवनी खड़ी हैं, ये और ये अनिका बैठी हुई हैं। तो अभी दादा से लड़ाई हो गई, फिर कंघी करने पे से मूड ख़राब हो गया, तो ये जो है मैडम जी अभी गुस्से में हैं। अवनी ये देखिए थोड़ा सा नींद में भी हो गई थी, तो चलिए वेट करते हैं हम लोग ट्रेन का, और बैठे हैं जब तक, तो जैसी ट्रेन आती है जब मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे। तो चलिए बैठ गए हैं यहाँ पर ही, मैं इनसे कह रही हूँ चलो पार्क में खेल लो, ये पीछे पार्क, लेकिन ये नहीं जा रही हैं, यहीं बैठेंगी कह रही हैं। तो चलिए यहाँ पर ही बैठते हैं इनको लेके। ये एक इधर बैठी है, एक इस साइड बैठी है, दोनों मम्मा के आजू बाजू गार्ड बन गए हैं। हैं?
फ्रेंड्स, हम लोग आधे घंटे से यहाँ वेट कर रहे हैं ट्रेन का, पर यहाँ आज ट्रेन आई नहीं, तो हम लोग वापस जा रहे हैं घर। अब निनिका को ट्रेन साइकिल चलवाएंगे। और यहाँ शायद से ना मंदिर में पूजा है, काली माँ के मंदिर में तो हो रही है। तो चलिए हम चलते हैं घर अब फ्रेंड्स, फिर आएंगे, इनको साइकिल चलवाएंगे मतलब।